कॉस्ट ऑफ कैपिटल की बेसिक डेफिनेशन होती है द मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न विच अ बिजनेस नीड्स टू अर्न फ्रॉम इट्स इन्वेस्टमेंट्स टू पे द प्रोवाइडर्स ऑफ फाइनेंस। एक कॉन्सेप्ट होता है फाइनेंस मैनेजमेंट में जिसको बोलते हैं फाइनेंशियल डिसीजंस। ये बहुत ब्रॉड है, इसके तीन ब्रॉड सब कैटेगरीज है। पहली है फाइनेंसिंग डिसीजन, फिर इन्वेस्टिंग डिसीजन और फिर फाइनली डिविडेंड डिसीजन। तो जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल टॉपिक है ये फाइनेंसिंग डिसीजन में आता है बिकॉज इट इज रिलेटेड टू गेटिंग फाइनेंस इन योर बिजनेस। तो जब हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल की करते हैं मेनली लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंसेस की बात करते हैं जैसे इक्विटी, प्रेफरेंस, डिबेंचर्स और लोन। और इन चारों की अलग अलग कॉस्ट होती है। जैसे इक्विटी और प्रेफरेंस को तो हम डिविडेंड देते हैं और डिबेंचर्स और लोन को हम इंटरेस्ट देते हैं और इन चारों का ट्रीटमेंट भी ऑफकोर्स अलग होता है। लेकिन अगर आप इन सबको टोटल करोगे तो आपकी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकल जाती है और उसे वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल ही बोला जाता है, जैसे मतलब इन शॉर्ट WACC। तो मैं ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा चैप्टर की, मेनली रिविजन पर्पसेस के लिए है। तो हम कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स से शुरू करते हैं, जैसे हम KD से डिनोट करते हैं। डिबेंचर्स दो टाइप के हो सकते हैं, रिडीमेबल और इरिडीमेबल, और दोनों केस में अलग अलग फॉर्मूला लगता है। तो जैसे मेरे को पहले लगा था कि कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स बेसिकली इंटरेस्ट का अमाउंट ही हो जाएगा, लेकिन इतना सिंपल है नहीं, हमें बस एक फॉर्मूला यूज करना है और उससे जो अमाउंट निकलेगा, जो परसेंटेज निकलेगी, उससे हम कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स मानेंगे, ठीक है? क्योंकि हम वी आर ऑल्सो टेकिंग इन टू अकाउंट द टैक्स बेनिफिट्स व्हिच यू गेट आफ्टर पेइंग द इंटरेस्ट, और जो भी इस फॉर्मूले के अंदर है वो सब हम टेक इन टू कंसीडरेशन करते हैं, ठीक है? तो इट्स नॉट जस्ट एज सिंपल एज टेकिंग अ परसेंटेज। तो ये फॉर्मूला आपके स्क्रीन पे आ गया होगा, एक KD का फॉर्मूला है, I1 - T बिकॉज ऑफ द टैक्स बेनिफिट प्लस मैच्योरिटी वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड्स अपॉन पीरियड, जिसके लिए वो डिबेंचर्स दिए हमने, होल डिवाइड बाय मैच्योरिटी वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड्स डिवाइड बाय 2, इसका मतलब इनका एवरेज, और फिर इनटू 100। तो ये परसेंटेज में आपका KD आ जाएगा, ठीक है? और ये केस तब है जब आपके डिबेंचर्स रिडीमेबल है, इसका मतलब डिबेंचर्स मैच्योरिटी वैल्यू के बाद आपको वापस पूरा होल प्रिंसिपल अमाउंट रिटर्न करना होगा उसके लिए। लेकिन व्हेन इट कम्स टू इररिडीमेबल डिबेंचर्स, इसका मतलब कोई मैच्योरिटी वैल्यू नहीं है बिकॉज यू आर नेवर गोना पे द प्रिंसिपल अमाउंट बैक टू द डिबेंचर होल्डर्स, तो उस केस में सिर्फ हम मैच्योरिटी वैल्यू का कॉन्सेप्ट हटा देते हैं तो फॉर्मूला छोटा हो जाता है। इसका मतलब फॉर्मूला अब हो जाएगा I1 - T अपॉन नेट प्रोसीड्स इनटू 100, दैट्स इट। तो बस ये दो फॉर्मूले हैं कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स निकालने के लिए, ठीक है? उसके बाद हम सेकंड में आ जाते हैं, जो है कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स भी रिडीमेबल और इरिडीमेबल हो सकते हैं, और इनका फॉर्मूला भी बहुत सिंपल है, बस फर्क ये है कि इसमें हमें टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि एज यू नो प्रेफरेंस शेयर्स का जो डिविडेंड होता है इट्स नॉट अ चार्ज्ड अगेंस्ट प्रॉफिट एंड इट इज ऑलवेज गिवन आफ्टर पेइंग द टैक्सेस। तो इसका मतलब टैक्स बेनिफिट इसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड है, तो हम फॉर्मूले में इसे अकाउंट नहीं करते, ठीक है? सिर्फ डिबेंचर के इंटरेस्ट में होता है। द फॉर्मूला बिकम्स D+MV - NP अपॉन N, वो पहले से, और होल डिवाइड बाय MV+NP डिवाइड बाय 2। तो मतलब सेम ही है, बस I1 - T की जगह सिर्फ होल डी दिया हुआ है और डी इज द अमाउंट ऑफ डिविडेंड, और फिर इनटू 100 ऑफ कोर्स जो परसेंटेज में आएगा। इररिडीमेबल का फॉर्मूला है D/NP × 100 बिकॉज द मैच्योरिटी वैल्यू कॉन्सेप्ट गोज अवे। तो बहुत सिमिलर है डिबेंचर वाले से। फिर थर्ड आता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी। सबसे इंटरेस्टिंग है कि इसमें पांच मेथड्स हैं, एक्चुअली पांच अप्रोचेस हैं इसे निकालने के लिए, और सबसे ज्यादा कॉमन है CAPM, जिसका फुल फॉर्म है कैपिटल एसेट्स प्राइसिंग मॉडल। मैं ऐसे फॉर द रिकॉर्ड पांचों बता देता हूं एक बार। वी हैव डिविडेंड प्राइस अप्रोच, अर्निंग प्राइस अप्रोच, डिविडेंड ग्रोथ अप्रोच, CAPM कैपिटल एसेट्स प्राइसिंग मेथड, और फाइनली रियलाइज्ड यील्ड मेथड। सबसे पहले डिविडेंड प्राइस अप्रोच का फॉर्मूला देखते हैं, जो कि बहुत सिंपल है, D1/P0 × 100। तो D1 इज द एक्सपेक्टेड अमाउंट ऑफ डिविडेंड, P0 इज द ओरिजिनल प्राइस जिस पर हमने शेयर्स इशू किए, और इनटू 100। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है? अब हम आ जाते हैं अर्निंग प्राइस अप्रोच में, जिसमें सिर्फ लिटरल D1 की जगह E1 आ जाता है। तो अर्निंग का बेसिक मतलब होता है EPS, अर्निंग पर शेयर, जिसका फॉर्मूला होता है EFESH, मतलब अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी। तो इससे आपका EPS आ जाएगा, जो अर्निंग बोलते हैं, और फिर उसे E1/P0 × 100 के फॉर्मूले में लगा दोगे तो फिर KE निकल जाएगा बेसिकली, ठीक है? फिर थर्ड फॉर्मूला है हमारा डिविडेंड ग्रोथ अप्रोच। इसमें सिर्फ सेम ही है डिविडेंड प्राइस अप्रोच से, लेकिन इसमें बस ग्रोथ का एक कॉन्सेप्ट आ जाता है, और उसमें ज्यादा कुछ होता नहीं, बस प्लस जी करना होता है फॉर्मूले में। तो लिटरल सेम फॉर्मूला लगता है D1/P0 × 100, और प्लस जी कर देते हैं परसेंटेज के अंदर, एंड द आंसर कम्स। ओके, फोर्थ मेथड हमारा सबसे कॉमन और सबसे ज्यादा आस्क्ड क्वेश्चन है शायद, एंड इट इज CAPM कैपिटल एसेट्स प्राइसिंग मेथड। तो इसके फॉर्मूले को जानने के लिए इससे लाइक बहुत ज्यादा थ्योरी है अंदर, लेकिन बेसिकली फॉर्मूला है रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न प्लस रिटर्न ऑफ मार्केट माइनस रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न, और इनका होल मल्टीप्लाई बाय बीटा। अभी जो भी नए नए वर्ड्स आए हैं, मेरे को इनका बहुत लाइक समझाने के अंदर बहुत डीप जाना पड़ेगा, तो आई एम जस्ट गोना लीव इट फ्रॉम नाउ, क्योंकि अगर आपने एक्चुअली पहले पढ़ा है चैप्टर तो आपको पता ही होगा, लेकिन रिविजन पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। व्हाट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द फॉर्मूला जो आपको रटना चाहिए। और फाइनल मेथड होता है रियलाइज्ड यील्ड मेथड, जिसका फॉर्मूला होता है P1 - P0 + D/P0 × 100। उसका ऑल्टरनेटिव फॉर्मूला होता है Change in P + D/P0 × 100। तो बेसिकली P1 - P0 का मतलब यही होता है, ठीक है? तो दैट इज हाउ यू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो बस ये तीन ही कॉस्ट कैलकुलेट करनी होती है, और जो लोन बताया था मैंने वो डिबेंचर्स की तरह ही होता है, उसको अलग से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। और अब ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालने के लिए आप इन सारी इंडिविजुअल कॉस्ट को ऐड कर दोगे ना, और इनके वेट्स निकाल के उनके प्रोडक्ट को ऐड कर दोगे, तब आपके ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ जाएगी। तो इतना ही है चैप्टर में, और मैं जानता हूँ
मेन लाइक अगर आपने ये प्रैक्टिकली करा है इस चैप्टर तो मैंने बहुत कम चीजें कवर किया, लेकिन मेनली फंडामेंटली थ्योरेटिकली सिर्फ यही है। लेकिन अभी अगर आप सोच रहे हो कि आप प्रिपेयर्ड हो तो आप इस चैप्टर के लिए बिल्कुल प्रिपेयर नहीं होगा जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करते इन क्वेश्चन की, क्योंकि इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने के बाद आपके पास डाउट्स आएंगे और उसके बाद आपको ऐसा फीलिंग है कि डू यू एक्चुअली डोंट डू नथिंग। लेकिन इसका मतलब नहीं कि जो मैंने वीडियो में पढ़ाया वो इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि जो मैंने पढ़ाया है उसे जाने बिना ये चैप्टर लाइक शुरू भी करने की सोच नहीं सकते। ठीक है, लाइक विद दिस नॉलेज नाउ इफ यू गो अहेड एंड पिक अप अ क्वेश्चन यू कैन एक्चुअली बिगिन टू सॉल्व इट एंड आपके पास एक्चुअली रैशनल डाउट्स आएंगे जो आप टीचर से स्पेसिफिकली पूछ सकते हो। तो अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी सीखने को मिला और अगर इंटरटेनिंग भी लगा इन एनी बिट एंड फॉर्म, लाइक कर दो इस वीडियो को और सब्सक्राइब करो अगर आप नए हो तो, और मैं आपको अगली वीडियो मिलूंगा। बाय बाय।